हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स मीडियम साइज हैं, बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव थोड़े से जल्दबाज होते हैं, थोड़ा हठी स्वभाव इनका रहने की संभावना रहती है। फिंगर्स के बीच में काफी गैप्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की जो नेचर होती है वो काफी फ्रेंडली होती है। यहां से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं इनके लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं, जो एक बहुत अच्छा चिन्ह है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के बीच में जो गैप्स हैं यह व्यक्ति को टोटली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इस तरह के गैप्स जितने ज्यादा होते हैं फिंगर्स की सेटिंग में, व्यक्ति उतना इंडिपेंडेंट और थोड़ा सा जिद्दी नेचर का भी हो सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की, तो यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर की जो लेंथ है वो काफी अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है व्यक्ति की। यह जो फिंगर है बृहस्पति, इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, अगर यह अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेज से यहाँ मेरा मीनिंग जो हमारी यूनिवर्सिटीज की या स्कूल कॉलेजेस की नॉलेज है उससे नहीं है, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, इवन स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी होती है जिनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु की फिंगर काफी अच्छी हो। शनि फिंगर की बात की जाए तो शनि फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग नेचर के रहते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी पा लेते हैं। सूर्य फिंगर यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, इसकी वजह से क्रिएटिविटी इनके भीतर काफी अच्छी रहेगी, इवन एक अच्छा सोशल सर्कल भी यहाँ पर इनका रहने वाला है। अब बात करते हैं मर्करी फिंगर की। मर्करी फिंगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन मर्करी माउंट स्ट्रांग है, यहाँ पर काफी अच्छा गैप होना। आपको बताना चाहूंगा अगर मर्करी और सूर्य फिंगर के बीच में गैप हो और दूसरा गैप हमारी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बन रहा हो, यहाँ पर आपको दोनों गैप्स ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह हमारी लाइफ लाइन होती है और यह हमारी माइंड लाइन होती है। अगर इन दोनों के बीच में एक तो यहाँ पर गैप हो और दूसरा गैप यहाँ पर हो, तो यह दोनों गैप्स इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं, किसी और की राय लेना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं ऐसे लोग, और अपने जो भी काम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से लेते हैं और इवन छोटी एज से ही अपने डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की नेचर व्यक्ति की होती है, और यहाँ पर मर्करी फिंगर का थोड़ा सा शॉर्ट होना कहीं ना कहीं इन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी वीकनेस भी दे सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए फिंगर्स काफी इनकी पॉजिटिव हैं, थिकनेस अच्छी है, जिसकी वजह से एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर भरपूर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को, उसके बाद रेखाओं को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें कोई भी माउंट मुझे लो सेट होता हो नहीं दिखाई दे रहा, सभी माउंट्स को प्रॉपर स्पेस मिल पा रही है। और खास तौर पर बृहस्पति माउंट की हम बात करें तो यह माउंट पूरी तरह से उभरा हुआ माउंट है, उठा हुआ माउंट है, जो व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति टीचिंग के क्षेत्र में, लॉ के या कोई भी रिलीजियस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी रुचि इन सब चीजों में रह सकती है। शनि की अगर बात की जाए, शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन शनि रेखा अच्छी होने की वजह से लाइफ में धन की कमी नहीं होगी, थोड़े अप्स एंड डाउन्स लाइफ में इनके रह सकते हैं।
आपको दिखाना चाहूंगा इनकी शनि रेखा को ड्रॉ कर यहां से इनकी जो भाग्य रेखा है कुछ इस तरह से चल रही है, बीच में कुछ रेखाएं आकर इसको टच हो रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, इनकी वजह से थोड़ी दिक्कतें लाइफ में आती हैं, अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, लेकिन एक स्पष्ट शनि रेखा अगर शनि माउंट तक पहुंचती हो तो व्यक्ति की लाइफ में धन जो है कहीं ना कहीं से आता रहता है और धन की कमी व्यक्ति को ज्यादा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कंफर्ट्स रहते हैं। तो ओवरऑल शनि यहाँ पर इन्हें मेहनती बनाएंगे क्योंकि शनि का जो माउंट ऑफ फ्लैट है, फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी और काफी अच्छी प्रोग्रेस ये अपनी लाइफ में पा सकेंगे। और अगर प्रेजेंट एज की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन से और इनकी फेट लाइन से थोड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है, किसी न किसी रिलेशनशिप की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, यहाँ हेल्थ इश्यू की वजह से कुछ स्ट्रेस होने की संभावना भी यहाँ पर नजर आ रही है। आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट को, यह जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ सूर्य माउंट का एरिया और सूर्य रेखा कुछ इस साइज की जो यहाँ पर दर्शा रही है कि यश मिलने में काफी दिक्कत व्यक्ति को रहती है यंग एज में। ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल काफी अच्छा हो जाता है और ओल्ड एज में काफी अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छा फेम इनको मिलने की संभावना रहेगी क्योंकि हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर से ही इनकी जो सूर्य रेखा है वो नजर आ रही है, उससे पहले इस रेखा की एग्जिस्टेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रही। आगे देखते हैं इनके मर्करी माउंट को, मर्करी माउंट को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लो सेट हो रहा है ये माउंट, लेकिन इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम काफी पॉजिटिव मानते हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं अगर मर्करी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो सभी कमियों को दूर कर देती हैं। खड़ी रेखाओं का यहाँ पर होना दर्शाता है कि व्यक्ति हाजिर जवाब होगा और ऐसे व्यक्ति के भीतर बिजनेस करने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी रहेगी। और इवन अगर कोई लंबी रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म करता है बिजनेस में। यहाँ पर उस रेखा की कमी मुझे महसूस हो रही है क्योंकि अगर एक लंबी मर्करी लाइन जो यहाँ पर बहुत छोटे साइज में आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की एक छोटी रेखा, यह रेखा अगर लंबाई में मौजूद हो तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी रेखा हो, अगर छोटे साइज की रेखा भी हो तो भी व्यक्ति के भीतर बिजनेस की कैपेबिलिटी तो आ ही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी हार्ट लाइन को, आप देख सकते हैं कि हार्ट लाइन बिल्कुल यहां तक इनके गुरु माउंट तक पहुंचती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन वाले व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं और अगर यह हार्ट की लाइन बृहस्पति माउंट को टच करे या यहां तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट एंड लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की बन जाती है। और हार्ट की लाइन में किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही, हार्ट की लाइन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन थोड़ी सी शालो होने की वजह से यहाँ पर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना इनको लाइफ में करना पड़ सकता है, जिसके लिए इन्हें अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफी हटकर चल रही है लाइफ लाइन से, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, इनके विचार जो रहेंगे टोटली इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड होना ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता जिनकी ये दोनों रेखाएं अलग अलग हों, और माइंड काफी शार्प रहता है जब यह रेखा लंबी हो, लेकिन जब कुछ रेखाएं क्रॉस कर रही हैं तो स्ट्रेस को इंडिकेट करती हैं, जब ऐसी रेखाएं हल्की रेखाएं भी टच कर रही हो माइंड की लाइन को तो व्यक्ति को थोड़ा सा स्ट्रेस देने का काम यह रेखाएं जिन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं, इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में आने की संभावना रहती है और लगभग मिडिल एज में 40s की एज में थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस आता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, आप देख सकते हैं कि लाइफ की लाइन की लंबाई काफी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर, जो लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है, कुछ इस तरह की एक लंबी इनकी लाइफ लाइन, और साथ ही साथ यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं मौजूद हैं इसमें, जैसे यहाँ से यह तो मरकरी की तरफ बढ़ रही रेखा है और ये दो और ब्रांचेस यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह के ऑफशूट्स जब लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो इन्हें प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहा जाता है, बहुत ही लकी लाइंस होती हैं ये, जितनी रेखाएं हमारी लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ बढ़े उतनी प्रोग्रेस और तरक्की हमें लाइफ में मिलती है, और जितनी रेखाएं इस तरह से नीचे की तरफ को चलें, अगर छोटी छोटी ब्रांचेस इससे ऐसे नीचे की तरफ चल रही हों तो वो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देने वाली होती हैं। तो यहाँ पर
अपवर्ड चलने वाली रेखाएं मैं देख पा रहा हूँ लगभग 50 की एज के बाद। काफी अच्छी तरक्की इनको लाइफ में मिलेगी, काफी अच्छी प्रोग्रेस यह अपनी लाइफ में देखेंगे और एज जो है वो भी लंबी रहेगी। 80 से ज्यादा की एज रहने की संभावना यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन शो कर रही है। अब बात करते हैं इनके चंद्र माउंट की। आप देख सकते हैं चंद्र माउंट के ऊपर कुछ ऐसी रेखाएं जो ऊपर की तरफ चल रही हैं, ऐसी रेखाएं और इवन भाग्य रेखा भी यहाँ से चंद्र की तरफ से चलती हुई और लाइफ लाइन से निकलकर चंद्र माउंट की तरफ आने वाली बारीक लाइनें, आपको ऐसी छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाएं ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। जितनी ज्यादा रेखाएं अपवर्ड जा रही होती हैं, चंद्रमा के माउंट से ऊपर की तरफ बढ़ रही होती हैं, उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग व्यक्ति को लाइफ में करनी पड़ती है और जितनी लंबी रेखाएं होती हैं उतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग व्यक्ति की लाइफ में रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर काफी सारी ऐसी रेखाएं हो, लाइफ में खूब ट्रैवल करते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स के चांसेस इनकी लाइफ में काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन साथ ही साथ चंद्र माउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं होना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी वजह से व्यक्ति का माइंड जो है वो अस्थिर हो सकता है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है, एंग्जाइटी जैसी थोड़ी दिक्कत व्यक्ति को लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। आगे बात करते हैं इनकी शुक्र माउंट की। अब देख सकते हैं शुक्र माउंट का एरिया थोड़ा उभरा हुआ है, जिस वजह से कामुकता थोड़ी सी अधिक हो सकती है ऐसे नेटिव के अंदर, और इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं होना या बहुत ज्यादा रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना भी शुभ नहीं माना जाता। रिलेशनशिप्स के मामले में यह रेखाएं तकलीफ देती हैं, व्यक्ति को फैमिली लाइफ में भी चिंताओं का सामना करना पड़ता है, वरीज रहती हैं। लेकिन उभरा हुआ शुक्र माउंट व्यक्ति को मटेरियल सुख जरूर देता है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं लग्जरीज तो जरूर मिल जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी आड़ी रेखाएं होने से फैमिली की तरफ से मिलने वाले जो सुख है उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।